नमस्कार, रात के 10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है। कई बंगाली संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया है। संगठनों के लोगों का ये कहना है कि हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को नहीं सहेंगे। प्रदर्शन करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप कर और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाए। और अब रुख करेंगे झारखंड के सियासी खबरों का। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। संगठन को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं और ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने में जुटी है। इसी में से एक है युवा, जो किसी भी दल के लिए बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे में बीजेपी 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली करने जा रही है, जिसको लेकर सत्ताधारी दलों ने भी बीजेपी पर पलटवार शुरू कर दिया है। मिशन झारखंड, युवाओं से किए वादे का क्या हुआ? सरकार से मांग रही 5 साल का हिसाब। आगामी चुनाव में किसके साथ युवा? बीजेपी का मिशन झारखंड शुरू हो चुका है। चुनाव की घोषणा से पहले वो सारे मुद्दे टटोले जा रहे हैं जो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिला सकते हैं, जिसमें पशु तस्करी और बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद अब युवाओं के लिए हेमंत सरकार के वादे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने युवाओं से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में 23 अगस्त को बीजेपी युवा आक्रोश रैली करने जा रही है। हमने नहीं बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए और किसी के लिए कीजिए कि आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे। बीजेपी का दावा है कि 2019 में झारखंड की सत्ता में आने के लिए जेएमएम ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था और नौकरी नहीं मिलने तक स्नातक पास को 5,000 और स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन हेमंत सरकार ने युवाओं से वादा खिलाफी की है, जिसके लिए इस बार के चुनाव में झारखंड के युवा सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को नानी याद दिला देंगे। अरे उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस बार युवा वर्ग जेएमएम को धूल चटाने का काम करेगी। एक कहावत है ना, नानी की याद दिलाना, ये नानी की याद दिलाने का काम झारखंड का युवा वर्ग इस जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन को करने का काम। तो झारखंड में बीजेपी युवाओं और महिलाओं के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में है, जिस पर सत्ताधारी दलों ने एक सुर में बीजेपी पर पलटवार किया। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि युवाओं को अगर किसी ने सबसे ज्यादा ठगा है तो वो बीजेपी ने। सबसे ज्यादा ठगने का काम अगर भाजपा की सरकार ने किसी को किया तो युवा को किया। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा करके ये सत्ता में आए थे। 20 करोड़ नौकरियां अब तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं 15 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया इन लोगों ने। युवाओं के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। जो एक विधायक का एक क्षमता होता है, जो एक विधायक एक माध्यम होती है विधानसभा में आवाज रखने का या फिर सही प्लेटफॉर्म तक उनकी बात को पहुंचाने का या जो लीडरशिप है उनसे मिलवाने का, तो हम हमेशा इसमें हमेशा कहीं भी पीछे नहीं रहे, अपना जिम्मेदारी हमेशा निभाए। युवाओं को किस मुँह से समर्थन मांग रहे हैं? ने नौकरी दिए कहीं ने अभी नौकरी, कितना युवाओं का नौकरी किया है पता है उनको? सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग और प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। अगस्त महीने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में
बीजेपी जहां एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो सत्ताधारी गठबंधन हर हाल में सत्ता बचाए रखने का दम लगा रही है। रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और पाकुड़ विधानसभा सीट से इशारों इशारों में दावेदारी भी ठोक दी है। आजसू के मिलन समारोह में अजहर इस्लाम को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर रेंडांगा हाई स्कूल मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आजसू के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। माना यह भी जा रहा है कि अकील अख्तर के टीएमसी में चले जाने के बाद आजसू को यहां से एक योग्य नेता की तलाश थी, जो अजहर इस्लाम के रूप में पूरी हो गई है और पार्टी उन्हें यहां अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी आजसू बड़े सहज से इन विषयों पर विचार कर रही है और आप देखेंगे हम सहज से इस बार के चुनाव में पब्लिक के बीच में खड़े रहेंगे। हमारा एजेंडा इस गिनती से ज्यादा हम प्रदेश के अंदर में लोगों के विश्वास को जीतना और जो क्षति हुई है इस 5 साल में उस क्षति को हम लोग कैसे पूर्ति कर पाएँ और एक बेहतर नेतृत्व प्रदेश को कैसे दे पाएँ, लोगों के बीच विश्वास कैसे स्थापित कर पाएँ, ये तैयारी हमारी है। और निश्चित रूप से जहां तक संतल प्रज्ञा का बात है, निश्चित रूप से संतल प्रज्ञा में आजसू रहेगा। तो अब झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसमें झारखंड के विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम आवास पर हुई मुलाकात में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। लगातार हम पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है। केंद्र ने सरकार को राज्यों में खेल की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अलग अलग राशि आवंटित की है, जिसमें झारखंड के हिस्से में भी करीब 9.5 करोड़ रुपए आई, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड की सरकार इस फंड को काफी कम बता रही है, तो बीजेपी आरोपों पर पलटवार कर रही है। झारखंड में चुनावी साल है, इसलिए हर मुद्दे पर बवाल है। अब राजनीति के पिच पर सभी दलों के नेता खेल के नाम पर खूब खेल रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आया, जिसमें खेल मंत्रालय को 3,442.32 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से झारखंड के हिस्से में सिर्फ 9.63 करोड़ रुपए ही आया है, जिस पर झारखंड के खेल मंत्री ने नाराजगी जाहिर। खुद सीएम भी इतनी कम राशि मिलने को झारखंड के साथ सरासर अन्याय बता चुके हैं। जानते हैं खेलो इंडिया में केंद्र सरकार कितना दिया झारखंड को? 9 करोड़ मात्र। और गुजरात को कितना दिया? 450 करोड़। झारखंड के खेल मंत्री इस चीज से नाराजगी है? तो नाराजगी नहीं है, युवाओं के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सेंट्रल से आप पैसा दे नहीं रहे हैं। दरअसल खेलो इंडिया केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि झारखंड से जहां इतनी संख्या में खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, उस झारखंड को सिर्फ 9.63 करोड़ रुपए क्यों, जबकि बिहार को 20.34 करोड़ रुपए दिए गए, यूपी को सबसे अधिक 438.27 करोड़ रुपए दिए गए, गुजरात को 426.13 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 21.91 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
जेएमएम के सवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। खेल में कितना बढ़ावा हमारे झारखंड में दिया जा रहा है, ये जग जाहिर है। हाँ, ये अलग विषय है कि हमारे झारखंड के खिलाड़ी अपने प्रयासों के कारण आज पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं, विश्व के ओलंपिक में भाग लेते हैं। तो अपने प्रयासों के कारण लेते हैं, न कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण लेते हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों में खेल की आधारभूत संरचना के विकास के लिए सालाना 2,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करती है, लेकिन फिलहाल खेल पर राजनीति भारी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया है। महुआ मांझी ने कहा कि महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अब तक राज्य में 22 लाख महिलाओं का आवेदन आ चुका है और 15 अगस्त तक विशेष कैंप लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। सोरेन जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वो चाहते हैं कि हमारे राज्य की हर महिला सशक्त हो, क्योंकि हमारा राज्य भाजपा के कार्यकाल में आपको पता होगा कि किस तरह से महिलाओं की तस्करी होती थी, किस तरह से झुंड की झुंड महिलाएं दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार के लिए जाती थी। यहां पर उन्होंने मैया योजना तो लॉन्च किया है, इसके पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च किया उन्होंने, ताकि 40,000 रुपए देकर उन लड़कियों की पढ़ाई में मदद की जाए। और चलिए अब आपको समझाते हैं और बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है और कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। बता दें आपको कि 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हर महीने 1,000 रुपए देगी सरकार। लाभुकों की आय सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय योजना में होना जरूरी है। साथ ही गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना भी जरूरी है। पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना है। इसके साथ ही सरकारी सेवा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पेंशन भोगी, ईपीएफ धारी योग्य नहीं आवेदन इसके लिए कर सकते हैं और आवेदन की जांच के आधार पर राशि जारी होगी। 21 अगस्त को पहली किस्त जारी करने की तैयारी है। झारखंड में आदिवासी दिवस की धूम जारी है। राज्य के बनहोरा मैदान में कांग्रेस की तरफ से आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भारत को अलग अलग भाषा, संस्कृति, खान पान के लिए जाना जाता है और यही इस देश की खूबसूरती है। तो इसी साल में शायद दूसरा मौका है ये जब इनके ये फेस्टिविटीज में शमूलियत किया। और एक खूबसूरत चीज इसमें देखिए ना, ट्राइब्स ने ये इन फेस्टिविटीज में पूरा दिल जान से मतलब उतरते हैं। और अगर इसी तरह से तमाम देश के तमाम कल्चर रखने वाले अपने अपने तरीके से ना मतलब डेडिकेशन के साथ अपना चीज बचाने का काम करे, मैं समझता हूँ यही तो खूबसूरती है हमारे भारत। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। इसमें कुछ ज्ञान वर्धक बात भी, बौद्धिक बातें भी, संविधान आरक्षण संबंधित अन्य बातों को भी और हमारी सांस्कृतिक और परम्परा जैसी बातों को विस्तार पूर्वक लोगों को बताया जाता है। आईएमए और झांसा ने सरकार के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएमए ने झांसा ने संयुक्त रूप से बैठक कर बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसके साथ ही 20 अगस्त से राज्य के सरकारी डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार का ये निर्णय उन्हें परेशान करने वाला है। इमरजेंसी सेवा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस संभव नहीं है। अगर सरकार स्वास्थ्य विभाग को इमरजेंसी सेवा नहीं मानती है तो यह स्पष्ट करें। और इसके साथ ही क्लिनिकल आपको बता दें कि क्लिनिकल एक्ट को लागू करने की मांग भी डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से की गई है। हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का अगले 20 तारीख से बहिष्कार करेंगे। झारखंड के समस्त सरकारी चिकित्सा केंद्र हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस
तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि हमारे कुछ क्लॉज नहीं मान लिए जाते। जैसे कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट है कि यह जो आदेश है वो सभी विभाग के सभी सरकारी कर्मियों के लिए लागू है, तो केवल चिकित्सक और शिक्षक ही क्यों? झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिनेरियो है, आपके पास चिकित्सक नहीं है, आपके पास चिकित्सा कर्मी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वैसे स्थिति में अगर आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप संशोधन नहीं लाएंगे तो आप जो आपका ये जो हमेशा वक्तव्य आता है कि मैं कृत संकल्प हूँ अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए, वो बेबुनियाद है, वो कभी होने नहीं जा रहा है। दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में व्यवस्था को लेकर पंडा और पुरोहित ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सावन में कांवरियों की भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए जिला प्रशासन ने अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की थी। बाबा मंदिर से अर्घा हटाने की मांग को लेकर पंडा समाज के लोग मंदिर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं और जिला प्रशासन के विरोध में नारे लगा रहे हैं। होने के पहले पंडा समाज के साथ जिला प्रशासन की बैठक होती आ रही है, बैठक होती है, उसमें जो मानक तय किए जाते हैं उसके बाद भी मनमानापन हो रहा है, उसी के लेकर पंडा समाज आक्रोशित है। आज जो अर्घा की व्यवस्था तय हुआ था कि सोमवार और मंगलवार दो दिन कंटिन्यू अर्घा रहेगा, उसके बाद विधि व्यवस्था को देखते हुए पंडा समाज के साथ वार्ता करते हुए अर्घा को लगाया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितने भी पदाधिकारी हैं उसकी मनमानी है, उसकी जब इच्छा होती है तब अर्घा लगा दिया जाता है, जब इच्छा होता है अर्घा हटा दिया जाता है। देवघर में पहली बार पर्यटकों और स्थानीय के लिए हवाई दर्शन सेवा शुरू की गई है। झारखंड सरकार और सिविल एविएशन ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। पर्यटक देवघर से बासुकीनाथ, देवघर से त्रिकुट पहाड़ और देवघर का हवाई दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि सैलानियों को देवघर का दर्शन के लिए 4,200 रुपए देने होंगे, जबकि बासुकीनाथ और त्रिकुट पहाड़ के लिए 5,500 और 6,500 रुपए लगेंगे। हेली सर्विसेज जो है झारखंड गवर्नमेंट और JFI के सहयोग से महाबोधि एविएशन ने स्टार्ट किया हुआ है और मुख्यतः तीन जगहों के लिए फोकस्ड है ये, त्रिकुट पर्वत के लिए, देवघर इटसेल्फ के लिए और बासुकीनाथ के लिए। जहाँ से हम लोगों ने इसका शुल्क रखा हुआ है पर सीट का 4,200 प्लस GST। और अब खबर चाईबासा से। चाईबासा के सोनुआ प्रखंड में संजय नदी पर अनोखा पुल बनाया गया है। पुल की दूसरी तरफ अप्रोच रोड नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि जिससे सड़क को पुल से जोड़ा जा सके। पुल की दूसरी तरफ ग्रामीणों के कई खेत हैं, जिस वजह से सड़क नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि पुल 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन क्षेत्र के दर्जनों गाँवों के लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा रहती जमीन है और हम लोगों का मांग है या तो हमें मुआवजा मिले, तो हमारे क्षेत्र में जमीन है सरकारी जमीन, तो हमें उस जगह अभी तो समस्या ही आपका, जब हम लोग यहाँ जो रोड नहीं बना इसी कारण से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। बरसात में भी आने जाने का तकलीफ हो रहा है और कोई बीमारी आदमी को भी लेने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। कम से कम 8-10-12 तो गाँव है यहाँ, तो सबको तकलीफ हो रहा है। और ये पुल में बहुत सारा समस्या है मुआवजा को लेकर के, जमीन के बदले मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, प्रशासन मतलब विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये रोड बनने से बहुत सारा गांव को लाभ मिलेगा, जैसे यहाँ कोंकवा गांव, बैका, पीसई, सरजमातू, इचातू, बेड़ासई, देवाबीर, बहुत सारा इत्यादि गाँव है। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।